तो यार अभी हमने खत्म किया अपना शूट अंकल वाला, नीतू के फादर वाला, जो कि कल आपने ऑलरेडी वीडियो देखी ली होगी, कल नहीं परसों आपने देखी होगी ऑलरेडी वीडियो, और बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग, और मैं क्या बोलूँ, मतलब वर्ड्स कम पड़ रहे हैं उस चीज़ के लिए। कितनी हिम्मत है यार इन लोगों में ना, कितनी हिम्मत, मतलब सल्यूट आंटी, सल्यूट यार। और यहाँ हमने अभी अपना छोटा शूट निपटाया, आज मैं व्लॉगिंग करने की हालत में हूँ नहीं। ही एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, मैं नहा के बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। आज मैं डांस क्लास नहा कर स्टार्ट करेंगे, मैं फ्रेश होकर अच्छे से, क्योंकि आज बहुत ही सैड डे है। मम्मी आज वापस जा रही हैं, मतलब मेरे लिए, तो मेरे लिए, और लखन का भी फ़ोन आया कि मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा, आंटी जा रही हैं, और सच में बहुत ही बुरा लग रहा है यार। इधर पता किसी की ना आदत हो जाती है, और आपको पता है जब मम्मी पापा आते हैं तो ऐसा हो ही जाता है। खैर, यहाँ पर इतने लोग होने के बाद भी हाँ मम्मी कुकिंग करके जाएंगे आज। आज क्या बना के जाओगे आप? पनीर मटर, ओके। और लखन के लिए, लखन के लिए नहीं बता रही आगे सांबर। गाइस आप लोग बहुत बोलते हो कि मम्मी सिर्फ सांबर बनाती है, लखन को पसंद ही वही है, सांबर राजमा, बस यही दोनों चीजें, और कड़ी भी पसंद थी मगर अब खा नहीं रहे है ना। यहाँ पर हो रही है मम्मी की जाने की तैयारी, देखो जाते हुए भी काम बता के जा रही है, ये कर वो कर। बाय, चलिए चलिए दोस्त, बाय बाय, आ जाओ दोस्त, दोस्त इज गोइंग, दोस्त मैं बहुत उदास हूँ। बैक टू दिल्ली? क्यों नहीं यार, मेरा दोस्त जा रहा है, मैं उदास हूँ। ओहो, ऐसा कुछ नहीं है, चलो छोड़ के आता हूँ तुम लोगों को। मम्मी जा रहे हो? हाँ, बाय। करोगे? बाय। हमें दिन गिनती रहती है, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, और मैं इंतजार करती रहती हूँ कि कब इनकी छुट्टियाँ होंगी और कब आएंगी। आपको मेरी याद नहीं आती ना? ना, लखन की भी नहीं, तेरी नहीं। बाय। तू अजय कर रही, तू साथ ही जा रही है, ड्रॉप करने जा रही हो ना, ड्रॉप करके सीधा मुझे घर आना है। ठीक है, बाय बाय, चलो नीचे तक। तो अब फाइनली वो टाइम आ गया जब हमारी माता जी यहाँ से जा रही है दिल्ली वापस। चल नीतू, तू इधर क्यों खड़ी है यार, लेट कर रही है। नीतू चल, ए ड्रामा क्वीन, आ जा, तेरे से नहीं होती एक्टिंग, आ जा जल्दी। अब मुझे पता है यार, सैड हो जाती है हमेशा, पर क्या करें यार, अब जब जाएंगी तभी तो वापस आएंगी, है कि नहीं? हाँ, जाओ और अच्छे से रहना, और फिर अगले हफ्ते फिर से दर्शन देना, ठीक है? चलो बाय बाय। नीतू आ जा, वो देखो उदास अभी तक वहीं खड़ी है। ओ आ जा भाई, आ जा, क्या होगा आंटी इस कार्टून का, आ जा यार, अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है, खाना खा लेना, ठीक है? बाय नीतू, इतनी अच्छी सर्विस होके रही है कार। बाय गाइस, कार सर्विस होके आई और इतनी क्लीन लग रही है, पूछो मत। वाओ, और लखन की गाड़ी में आपको बहुत सारी चीजें मेरी मिलेंगी, कार लखन की है मगर मेरी चीजें बहुत मिलेंगी। और एक चीज मिली मुझे, पहचानो ये लड़का कौन है, जिसने सही आंसर दिया उसको मिलेगा रिक्की से मिलने का मौका। चलो बाय बाय। ये देखो मैं भूल गई, अच्छा हुआ मैं उस गाड़ी की चाबी लेकर आया था, अब उसमें से तुरंत निकाल तो दिया मैंने कम से कम। थैंक यू, चलो बाय, सी यू, सी यू, बाय, ओके बाय बाय बाय। नीतू तो गई आंटी के साथ, और अब मुझे आज बहुत सारा काम है, मुझे बहुत सारे व्लॉग्स एडिट करने हैं, और कुछ अपने यूट्यूब चैनल के लिए कुछ नया मैं ट्राई कर रहा हूँ, वो भी आज अपना काम पूरा करना है, और कुछ एक जगह से थोड़े से पेमेंट्स थे जो लेने हैं, तो आज उनका इनवॉइस बना के भेजना है, काफ़ी सारा काम है, तो इस टाइम पर यूटिलाइज करता हूँ, नीतू आज है नहीं तो आज ये सारे काम निपटाता हूँ मैं। हम आ गए हैं घर पर, नहीं बाहर है अभी, बस थोड़ी देर में घर पर पहुँचेंगे। मम्मी क्या हुआ? मम्मी की थोड़ी तबीयत ढीली हो गई है ठंड की वजह से, आज ठंड कुछ ज़्यादा ही है, तो हम जा रहे हैं घर के अंदर, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगी अपनी बचपन की यादों वाली, ठीक है मम्मी? देखो ये एरिया कुछ ऐसा है, बहुत ही सुनसान, यहाँ पर घूमना भी मना है कोरोना के टाइम पे, है ना मम्मी? मेरी मम्मी ने बहुत चीज़ें यहाँ पर, यहाँ के लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सफ़र की हैं जब कोरोना हुआ था। अच्छा, जब हम 2004 में आए थे राष्ट्रपति भवन में, 2002 में आए थे हम लोग, तो सबसे पहले हम कहाँ आए थे मम्मी? सबसे पहले हम यहाँ पर आए थे, इसके अंदर ना घर है, आपको दिखेगा नहीं अभी, और मैं ना ऐसे बाहर भी नहीं जा सकती वरना ये, और ये झूले हैं, और ये झूले तब से 2002 से ये झूले हैं, मगर चेंज हुए हैं, सेम ऐसे नहीं थे, तो ये ऐसे झूले थे, वहाँ पर वो गेट है, तो ये हमारी बचपन की, मेरी बचपन की यादें यहाँ से बहुत जुड़ी हुई हैं। यहाँ पर हम खेला करते थे, हम यहाँ पर बैठ जाया करते थे, ये मगर ऐसा नहीं था, ये सब न्यू बना है, कुछ अलग ही था। यहाँ पर क्या था मम्मी? पार्क था, यहाँ पर पार्क था, तो ये सब था यहाँ पे, और यहाँ बना के हमेशा मैं झूलों को देखती हूँ, मैं घर नहीं देखती, मैं झूलों को देखती हूँ, क्योंकि घर ना सब चेंज हो गया यहाँ पर, है ना मम्मी? ऑलमोस्ट सब चेंज हो गया, मगर झूले अभी तक चेंज नहीं हुए इसलिए। और ये जो पार्क है ना साइड में, यहाँ पर मैं खेला करती थी, बैठा करती थी, और एक दिन पता है क्या हुआ था, मेरा ना यहाँ पर चश्मा खो गया था,
तो जो वो माली आते हैं ना वो अपनी मशीन से वो निकालते हैं घास को, तो उनको मेरा चश्मा मिल गया और मैं इतना डर रही थी कि पापा को पता ना चल जाए, पापा को पता ना चल जाए। मगर एक अंकल थे, उनका नाम था राजा भैया के पापा का क्या नाम था, सूरज, सूरज अंकल आए, वो कहते ये ले तेरे पापा को ना पता चल जाए इसलिए मैंने तुझे पहले दे दिया, वो इतने अच्छे अंकल, सूरज नाम था ना। तो ऐसे ऐसी चीज़ें हुई मेरे साथ, मैं हर चीज़ खो देती थी। तो आंवला चुराते थे इसमें से, हम आंवला चुराते थे यहाँ से, यहाँ पर बहुत से, यहाँ पे आम भी लगते हैं, क्या क्या लगता है मम्मी यहाँ पे, तब पेड़ है, मम्मी को भी याद नहीं है। कुछ मिले ना मिले राष्ट्रपति भवन में, कुत्ते जरूर मिलेंगे यहाँ पर, इतने कुत्ते इतने बिल्लियाँ हैं पूछो मत, बहुत बंदर भी मंकीज भी बहुत है, मेरी मम्मी बंदर को बंदर कहती हैं तो मैंने भी बंदर बोल दिया। और ये है पीर बाबा, हम लोग बचपन में सारी फ्रेंड्स मिलके आया करती थी, बताशे लेकर यहाँ पर चढ़ाया करते थे हम लोग। यहाँ पर है एक पार्क, फुटबॉल पार्क, ये जो दिख रहा है ना ये यहाँ पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ जंगल था, ये भी पाँच दस साल पहले ही बनाया। और ये है हमारा तेरा स्कूल, मेरा स्कूल सबसे पहला केवी जिसमें हम जाया करते हैं, ये वो है, इसके साइड में बहुत बड़ा पार्क था। और ये जो सर्कल है ये है राष्ट्रपति भवन की लाइब्रेरी, यहाँ पर बुक्स पढ़ी जाती हैं, बुक्स पढ़ी अच्छा ये जो लाइब्रेरी है यहाँ पर हम आते थे, यहाँ पर भी हम बकवास करने आते थे, कुछ पढ़ने नहीं आते थे, बस ऐसे खेलने हैं मम्मी। हम आ गए हैं घर के बाहर और दीदी आ रही सामान उठाने, बस फिर मैं मम्मी को ड्रॉप करके सीधा निकलूँगी क्योंकि मुझे घर पर काफ़ी काम है। ओके मम्मी आप मुझे मिस करोगे, ये मुझे बहुत मिस करती है, पता कभी कभी लखन भी इरिटेट हो जाता है कि आंटी हमेशा वीडियो कॉल क्यों करती है, क्योंकि मम्मी को हमेशा मेरा फेस देखने की पड़ जाती है। आज से नहीं करूँ, तूने बता दिया मैंने सच, नहीं नहीं पर वो कहता है अरे यार फोन भी तो कर सकती है वीडियो कॉल क्यों, मैं ड्राइव करती हूँ मम्मी वीडियो कॉल करते लगे अभी मत उठाइयो बोल फोन करें अभी मत उठाइयो, तो ये सब होता है। ये देखो ये आई चुड़ैल, इसको हमने बुलाया एक घंटे पहले, ये अब देखो इसको ध्यान से, अंकल हैं हमारे फेवरेट और हमेशा जब मैं आती हूँ मेरे लिए बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आता है, तो ये और ये बाजरा क्या है, ये जुआर है ना, ये मैं जस्ट अभी व्लॉग एडिट कर रहा था, तुरंत अभी रिक्की का फोन आया कि मम्मी की तबीयत एकदम से ज्यादा खराब हो गई है और उनको हॉस्पिटल लेके जाना है, मैं जल्दी से अपील करता हूँ हॉस्पिटल के लिए जाता हूँ, पहले बहुत घबराहट हो रही है। और जिन लोगों को नहीं पता है, जो लोग अभी हमारे चैनल से जुड़े हैं, मेरी मम्मी को एंग्जाइटी की दिक्कत है और कभी भी मतलब वो एकदम ठीक होती है और पता नहीं क्या होता है और एकदम अनकॉन्शियस हो जाती हैं, चक्कर उनको आने लगते हैं, उनको एकदम शांति चाहिए होती है उस टाइम पे, और ऐसा पिछले 4-5 सालों से हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब बहुत सारे टेस्ट कराए सब कुछ कराए लेकिन पता नहीं चल रहा कि इसका डीप रूट कॉज है क्या, वो सब नहीं पता चल रहा। की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, मुझे निकलना पड़ेगा घर, मैंने सोचा था मैं यहाँ पर आज रुकूंगी मम्मी के साथ मगर नहीं, मुझे सीधा घर, यार यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा, मैं निकल रही हूँ चलो है ना, अरे कोई बात नहीं लखन मैं निकल रही हूँ बस, ठीक है ठीक है ठीक। तो मैं अपने घर जा रही हूँ मैंने सोचा था कि मम्मी के साथ आज स्टे करूंगी मगर नहीं, मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई तो मुझे निकलना होगा, ठीक है मम्मी। सबसे पूरा दिन मैं आ चुकी हूँ घर पर, डायरेक्ट मैं यहाँ पर आई हूँ और मैं मगर डायरेक्ट आई हूँ मॉम से मिलने, मॉम से मिलूँगी उसके बाद घर जाऊँगी, देखते हैं मॉम की तबीयत कैसी है। तो फ्रेंड्स अभी मम्मी की हालत थोड़ी स्टेबल है, बाकी आपको कल वाले व्लॉग में देखने को मिलेगा, ये वाला व्लॉग कल कंटिन्यू करूँगा मैं और दिखाऊंगा सब क्या क्या हुआ, किस वजह से ऐसा हुआ, अभी फिलहाल इसको बंद कर रहा हूँ, थोड़ा छोटा व्लॉग है, एडजस्ट कर लेना क्योंकि आपको पता है तबीयत थोड़ी ख़राब है उनकी, थोड़ी टेक केयर करनी है, कल मिलते हैं कल, बाय।